हाय गाइस, वेलकम टू मोंटा स्पीच चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं M.2 टू PCI एक्सप्रेस 1X के बारे में, यानी कि इस अडेप्टर के बारे में। हाँ, अब जाके फोकस हुआ है। हाँ, तो मेनली ये वाला अडेप्टर काम में आता है M.2 NVMe को कन्वर्ट करने के PCI एक्सप्रेस 1X में, समझ गए। और अगर इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा जानना है तो इस साइड में एक कार्ड आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करिएगा और देखिएगा इसका पार्ट 1। और फिर भी मैं आपको ओवरऑल बता दूं तो ये SSD मैंने मंगाई थी, ये मेरे दोस्त की SSD है और इसकी पूरी कहानी मैंने बताई है पार्ट 1 में। और तो ये देखो, ये ऐसे ऐसे लग जाती है इसमें। और अभी बन चुकी है M.2 NVMe से PCI Express 1X। और इसकी जनरेशन बताऊं तो इसकी जनरेशन है 3rd, मतलब कि इसकी मैक्सिमम स्पीड हो गई, इस कनेक्टर की मैक्सिमम स्पीड हो गई 960-950 ऐसी कुछ हो गई, मेरे को ध्यान नहीं है ढंग से, वो मैं डाल दूँगा आप देखना यहाँ पे। तो फिर चलिए चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। इस अडेप्टर को इंस्टॉल करने से पहले मेरे को आपको ये बात बतानी है कि जहाँ पे ये ग्राफिक कार्ड लग रहा है वो स्लॉट है PCI Express 16X और उसकी जनरेशन है 3rd, मतलब कि बढ़िया है ये वाला स्लॉट, ठीक है। और जो मेरे पास दो अवेलेबल हैं वो है PCI Express 1X और इनकी जनरेशन है 2nd, ऑलराइट। और ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि जो मेरे पास ये अडेप्टर है ये है PCI Express की जनरेशन 3rd, और मेरे को इसको फुली यूटिलाइज़ करने के लिए इसको लगाना पड़ेगा PCI Express की जनरेशन 3rd में, लेकिन वहाँ पे मेरा ग्राफिक कार्ड लग रहा है, ठीक है, तो मेरे को लगाना पड़ेगा इसमें। तो जो मेरे को स्पीड मिलेगी वो मिलेगी आधी मेरे को, क्योंकि ये जनरेशन 2nd है। फिर तो चाहे से वो साइज़ भी सेम हो, चाहे से मतलब कि ये भी 1X है ये भी 1X है, पर जनरेशन का फ़र्क हो गया तो मेरे को आधी स्पीड मिलेगी इसमें। और अगर मैं PCI Express 3.0 की 1X की मैक्सिमम स्पीड बताऊँ तो वो है 1 GB/s, ठीक है। तो पहले मैं आपको लगा के दिखाता हूँ PCI Express के 1X की जनरेशन 2nd में, ठीक है। ये लो, हो गया इंस्टॉल। अब चलो बूट करते हैं, मैं आपको स्पीड भी दिखाता हूँ कितनी आती है कितनी नहीं आती है। हाँ, तो चलिए सबसे पहले अपन टेस्ट कर लेते हैं किंगस्टन A2000, जो कि ये कैपेबल है 2000 MB/s रीड एंड राइट देने के, लेकिन अपन ने इसको लगाया है PCI Express की 1X में और उसकी भी जनरेशन है 2nd। तो अपन देखते हैं अब अपन को कितनी परफॉर्मेंस मिलती है। सबसे पहले इसको अपन माउंट कर लेते हैं। अब इसको माउंट करने के लिए अपन जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट में, और डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद ये देखो अनएलोकेटेड दिख रही है ब्लैक सी। चलो इसको माउंट कर लेते हैं अब। हो गई देखो माउंट, न्यू आ गया वॉल्यूम F दिस PC, ये रही देखो एकदम बढ़िया। एक बात मैं इस अडेप्टर की मान गया कि ना तो मेरे को जाना पड़ा BIOS में और ना कहीं पे कोई सेटिंग चेंज करनी पड़ी, मैं सीधा वो डिस्क मैनेजमेंट में गया और वहाँ पर जाके मैंने ये डिस्क को कर लिया माउंट, बस कोई भी झंझट नहीं करना पड़ा मेरे को। तो मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा ये वाला अडेप्टर। देखते हैं कि इसकी क्या परफॉर्मेंस आती है। खोल लेते हैं भाई क्रिस्टल डिस्क मार्क स्टार्ट। बताओ क्या स्पीड मिल रही है, इतनी आपको मिलती है 66 GB में, तो मैं तो खुश हूँ इस अडेप्टर से फिलहाल। अब देखते हैं क्या परफॉर्मेंस मिलती है अपन को ओवरऑल मिलके। अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये सिक्वेंशियल रीड एंड राइट में देखो कितनी मिल रही है अपन को परफॉर्मेंस, 450, 436 इतनी मिल रही है, मतलब कि 500 के लगभग हो गई है,
ठीक है। और ये रैंडम रीड एंड राइट में देखो 55 मिल रही है। 55 तो अपन को जो साटा SSD होती है उसकी मैक्सिमम जो टॉप से टॉप नॉच भी आती है उसमें भी नहीं मिलती है अपन को 55 तो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको साटा और इसमें से ऑप्शन मिले और आपको ये वाला जुगाड़ करना पड़े तो कर लो जुगाड़, ये वाला जुगाड़ ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। और जैसे ही आपके पास कोई अच्छा मदरबोर्ड या फिर कोई लैपटॉप में लगाना हो ये वाली SSD तो वो लगा लीजिएगा आप उस टाइम। और अब अपन इसको लगाते हैं जनरेशन 3.0 में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी स्पीड मिलती है अपन को उसमें, देखना कितने मजे आएंगे आपको। अब चलो अब इसको निकाल लेते हैं 2.0 से और इसको लगा लेते हैं ये ग्राफिक कार्ड वाले 3.0 स्लॉट में। अब चलिए अब इसको लगा लेते हैं 3.0 में। वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि जो टेक्नोलॉजी है वो देखो कहाँ तक आ गई है। अब जैसे कि जो ये वाला पार्ट हो गया, जो ये लंबे वाला पार्ट है, ये तो हो गया जो पावर आती है उसके लिए, और जो ये छोटे वाला पार्ट है ये हो गया जो डेटा होता है उसके लिए। तो फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ये छोटा सी चीज़ है, मतलब कि इसमें ये मतलब कि हो गया इसमें ना 12 कंडक्टर, अच्छा इस साइड अच्छा इस साइड, तो ये दे सकते हैं 1 GB/s। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इसमें। अभी लगा लेते हैं इसमें, ठीक है लग गया, ठीक है। अब मैं चला के दिखाता हूँ आपको, मैं इसका स्पीड टेस्ट करके बताता हूँ। अभी अपनी SSD चल रही है PCI Express 3.0 में, तो अब देखते हैं अपन को क्या परफॉर्मेंस मिलती है। ये मैंने रन कर दिया बेंचमार्क, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस मिलती है। और अब आप देख सकते हैं रिजल्ट्स, जब मैंने इसको लगाया 3.0 में तो फिर क्या अच्छी परफॉर्मेंस निकल करके आई है। पहले तो आ रही थी 400 कुछ और अब देखो डबल हो गई 880, मतलब कि 1 GB के लगभग पहुंच चुकी है। और जो ये रैंडम रीड एंड राइट है, ये तो कभी जा रही थी 55, कभी 60, कभी 65 भी जा रही थी, एक बार तो मैंने देखा था कि 65 भी आई थी। और अब इस SSD को निकाल के वापस लगा देते हैं 2.0 में, जो 1x वाला स्लॉट है उसमें। और मैं आपको फिर याद दिला दूँ कि अगर आप X16 वाले में M.2 लगाने की सोच रहे हैं तो आप ये वाला अडेप्टर मत ख़रीदना, वो इसलिए कि आपकी स्क्रीन पे सामने आ रहा होगा, ये वाला अडेप्टर ख़रीदना आप। और क्योंकि इसमें आपको एकदम अच्छी स्पीड मिलेगी, फुल स्पीड मिलेगी। और क्योंकि जो मैंने अडेप्टर लिया है ये तो है 1x, और जो आप 16x वाला लोगे उसमें आपको मिलेगी फुल स्पीड, तो आप वो ही लेना। तो मेरी तो ये नीस रिक्वायरमेंट थी इसलिए मैंने ये वाला अडेप्टर लिया है। हाँ तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हो। और अब कर लेते हैं इसका टेम्परेचर टेस्ट। इसका टेम्परेचर टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया कि इसमें पहले RDR2 कॉपी मार दिया, फिर मैं इस ड्राइव से इसी ड्राइव में एक बार और मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो फिर इससे रीड हो रहा है और इसी में राइट हो रहा है। और ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कॉपी, ये कोई और ड्राइव से GTA 5 कॉपी हो रहा है। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि मैंने इस ड्राइव को 100% यूसेज पे ला दिया है। और अब देखते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या जाता है इस SSD का। और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर गया है 50°C, मतलब कि 50-51 ही था। और मैं इसको चलाया 1.5 घंटा लगातार 100% यूसेज पे, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 50-51 के ऊपर नहीं गया इसका टेम्परेचर, और जो कि बढ़िया टेम्परेचर है, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना, अभी अभी एक कुत्ते को भगा गया हूँ पास में से, भौंक रहा है आगे। और हाँ मैंने आपको विंडोज़ का वो क्लोनिंग वाला पार्ट नहीं दिखाया, वो मैंने जानबूझ के नहीं दिखाया कि वो बहुत लंबा पार्ट हो गया, मतलब पूरा दिन हो गया मेरे को लगे हुए, फिर जाके इसमें विंडोज़ इंस्टॉल हुई है। मतलब कि वो क्लोन तो हुई थी लेकिन वो ऐसी क्लोन हुई थी, वो चल भी नहीं रही थी इसमें, मतलब कि वो झपक रही थी विंडोज़, कभी कुछ हो रहा था। और फिर मैंने आखिर में इसमें डाली विंडोज़, जो पेन ड्राइव को अपन बनाते हैं बूटेबल, वैसे मैंने इसको बनाया बूटेबल पेन ड्राइव को, मेरे पास था एक, उससे भी 2-3 तो डली ही नहीं थी विंडो, आखिर में जाके डली थी विंडो इसमें, मतलब कि बता सकते हो पूरा दिन हो गया मेरे को लगे हुए, अब जाके इसमें डली है विंडो इसमें।
और जो मैंने आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाई है तो वो मैंने आपको PCI Express 1X के सेकंड जनरेशन में भी दिखाई है और जो थर्ड जनरेशन है उसमें भी दिखाई है। और साफ सी बात है कि जो थर्ड जनरेशन है उसमें आपको डबल स्पीड देखने को मिलेगी, लेकिन जो वो डबल स्पीड देखने को मिल रही है वो केवल और केवल जो सिक्वेंसर रीड एंड राइट है उसमें ही देखने को मिलेगी। जो 4K रैंडम रीड एंड राइट्स है उसमें नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जो 4K रैंडम रीड एंड राइट्स है वो तो 60-50 ऐसे ही होता है, तो जो 50 MBPS है वो तो अपना सेकंड जनरेशन भी कर सकता है, तो इतना फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये सेटा SSD के बराबर ही मान रहा हूँ मैं इसको, और उससे तो बढ़िया ही है क्योंकि रैंडम रीड एंड राइट्स आपको डबल मिल रही है सेटा SSD के मुकाबले, तो आपको ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी इसमें। तो मैं अभी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी ये जुगाड़ कर सकते हैं, इसमें कोई डर नहीं है करने का। और फिर से मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास 16x वाला स्लॉट खाली है तो वो अडेप्टर आता है, उसकी मैं डाल दूँगा फ़ोटो, तो वो लीजिए आप इसके बजाय, क्योंकि इसमें आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको आप खो देंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो वो आप मेरे को बताइए कमेंट्स में, वो भी मैं डालूँगा। और आपको अगर कोई मदरबोर्ड की वारंटी के बारे में जानना है तो उसके बारे में भी बताइए आप मेरे को कमेंट्स में, उसके लिए भी मैं लाऊँगा एक वीडियो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।